दुनिया ने ठुकराया मुझको, तेरी शरण में आया हूँ। अब तो बना दे बिगड़ा नसीबा, ये तो पता क्या देरी है। साईं बाबा साईं, साईं बाबा साईं, मेरे बाबा साईं, मेरे साईं, साईं बाबा साईं। ओम साईं राम। साईं बाबा सबकी रक्षा करना और सही राह दिखाना। श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 47। बाबा द्वारा गीता के श्लोक की व्याख्या। श्री साईं बाबा का समाधि मंदिर। बाबा द्वारा गीता के श्लोक की व्याख्या। श्री साईं बाबा के भाषा ज्ञान के बारे में लोग प्राय अनभिज्ञ थे। किसी को भी इस बात का अनुमान नहीं था कि बाबा को संस्कृत भाषा का ज्ञान भी है। नाना साहेब चंदोरकर विद्वान थे, उन्हें अपनी विद्वता का कुछ अभिमान भी था। बाबा भक्त के ऐसे दुर्गुणों को कब सहन करने वाले थे। नाना साहेब वेदांती थे, उन्होंने अनेक ग्रंथों की टीकाओं के साथ साथ श्रीमद् भगवत गीता का भी गूढ़ अध्ययन किया था। बाबा नाना साहेब का भ्रम निवारण करना चाहते थे। नाना साहेब के भ्रम का श्री साईं बाबा ने कैसे निवारण किया, उसी कथा का यहाँ विवरण दिया जा रहा है। इस कथा का विवरण सेवानिवृत्त मामलदार बीवी देव ने मराठी भाषा की श्री साई लीला पत्रिका की भाग 4 पृष्ठ 563 में प्रकाशित करवाया है। नरसिंह स्वामी द्वारा रचित पुस्तक भक्तों के अनुभव के भाग 3 में बीवी देव के विचारों का प्रकाशन 27/9/1936 को हुआ था। नाना साहेब ने ही देव को सर्वप्रथम यह बात बताई थी। बाबा ने गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक की व्याख्या उस समय की थी जब भक्त शिरडी में कम संख्या में आया करते थे और बाबा एकांत में भक्तों से बातचीत किया करते थे। एक बार नाना साहेब चंदोरकर बाबा की चरण सेवा करते हुए मन ही मन बुदबुदा रहे थे। तब बाबा ने उनसे पूछा कि नाना, तुम मन ही मन क्या बुदबुदा रहे हो। तब नाना बोले कि मैं गीता के श्लोक का पाठ कर रहा हूँ। इस पर बाबा ने कहा कि कौन सा श्लोक है, वह जरा ऊंचे स्वर में बोलो। तब नाना ने गीता का यह श्लोक बोला, तदिति परिणो पातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त तवेश दृष्टिनाः। तब बाबा बोले कि इसका अर्थ जानते हो। नाना ने कहा कि जी महाराज। बाबा बोले कि जब तुम इसका अर्थ जानते हो तो मुझे भी तो सुनाओ। इस पर नाना साहेब ने अर्थ करते हुए बताया कि तत्व के ज्ञाता ज्ञानी पुरुषों को भली भांति दंडवत नमस्कार कर सेवा और निष्कपट भाव से किए गए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान विज्ञानी जन उन जिन्हें ब्रह्म की प्राप्ति हो चुकी है तुझे ज्ञान का उपदेश देंगे। तब बाबा बोले कि मैं ऐसा भवार जानना नहीं चाहता, मुझे तो प्रत्येक शब्द व उसका भाषांतर उच्चारण कर व्याकरण विधि से अर्थ समझाओ। फिर नाना एक एक शब्द का अर्थ समझाने लगे। बाबा बोले कि नाना, क्या साष्टांग नमस्कार करना ही पर्याप्त है। तब नाना बोले कि प्रणिपात का नमस्कार के अतिरिक्त अन्य अर्थ मुझे ज्ञात नहीं है। बाबा बोले कि अच्छा, परिप्रश्न का क्या अर्थ है। नाना ने उत्तर दिया, प्रश्न पूछना। तब बाबा ने बोला कि प्रश्न का क्या अर्थ है। तब नाना ने कहा कि वही प्रश्न पूछना। इस पर बाबा ने कहा कि परिप्रश्न और प्रश्न दोनों का एक ही अर्थ है, तो वेद व्यास ने परि उपसर्ग का उपयोग क्यों किया, क्या वेद व्यास भ्रष्टभूति थे। नाना ने कहा कि देवा, मुझे परिप्रश्न का दूसरा अर्थ ज्ञात नहीं है। इस पर बाबा ने अर्थ करते हुए कहा कि इसका अर्थ सेवा है, लेकिन यहाँ किस तरह की सेवा से तात्पर्य है। तब नाना बोले कि वही जो सेवा सदा हम आपकी करते हैं। बाबा बोले कि क्या इतनी सेवा ही पर्याप्त है। इस पर नाना ने कहा कि सेवा का इससे अधिक विशेष अर्थ मुझे मालूम नहीं है। बाबा ने कहा कि उपदेशयन्ति ते ज्ञानम में ज्ञानम शब्द की जगह दूसरा शब्द उपयोग करके क्या तुम इसका अर्थ बतला सकते हो। नाना ने हाँ में उत्तर दिया। तब बाबा के प्रश्न करने पर नाना ने अज्ञानम शब्द कहा। इस पर बाबा ने नाना से प्रश्न किया कि ज्ञानम के स्थान पर अज्ञानम शब्द जोड़ा जाएगा तो श्लोक का अर्थ क्या हो जाएगा।
तब नाना बोले कि शंकर भाष्य में ऐसी कोई व्याख्या नहीं है। बाबा बोले कि इससे क्या फर्क पड़ता है, यदि अज्ञान शब्द के उपयोग से कोई श्रेष्ठ अर्थ निकल सकता है तो इसमें आपत्ति क्या है। फिर नाना बोले कि अज्ञान शब्द का कैसा प्रयोग किया जाए यह मैं नहीं जानता। तब बाबा बोले कि कृष्ण ने अर्जुन को तत्वदर्शियों को नमस्कार करने, उनसे प्रश्न पूछने व सेवा करने का उपदेश दिया था। क्या कृष्ण स्वयं तत्वदर्शी नहीं थे, वे तो ज्ञान स्वरूप थे। नाना बोले कि हाँ वे ज्ञान स्वरूप थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि उन्होंने अर्जुन से अन्य ज्ञानियों के पास जाने के लिए क्यों कहा। तब बाबा ने पूछा कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आया। यह सुनकर नाना हतबुद्धि हो गए। उनका ज्ञान अभिमान बाबा ने तोड़ दिया था। फिर बाबा स्वयं इस श्लोक का अर्थ समझाते हुए बोले कि ज्ञानियों को केवल साष्टांग नमस्कार करने से काम नहीं चलता, हमें सद्गुरु के प्रति अनन्य भाव से शरणागत होना चाहिए। इसी तरह केवल प्रश्न पूछना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पाखंड वाक जाल में फंसाने, दोष ढूंढने की दृष्टि से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, बल्कि जिज्ञासा या उत्सुकता पूर्वक केवल मोक्ष या आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति की भावना से प्रेरित होकर ही प्रश्न पूछना चाहिए। जहाँ तक सेवा का प्रश्न है, स्वेच्छा से सेवा करना सेवा नहीं है। सेवा के संदर्भ में यह अनुभव करना चाहिए कि शरीर पर मेरा नहीं गुरु का अधिकार है, उनकी सेवा के लिए ही यह शरीर है। इस प्रकार का आचरण करने से सद्गुरु द्वारा तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। श्लोक का भाव यही है। अध्याय 47 का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। तब तक साईं स्मरण करते रहें और अच्छे कार्य करें। ओम साई राम, ओम साई राम। अगर आपको साईं तेरे नाम चैनल पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओम साई राम, ओम साई राम।